जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। साले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। नमस्कार, मैं हूं इस धारावाहिक कादंबरी का सूत्रधार। मेरा काम है इस कहानी और इसके लेखक से आपका परिचय करवाना। वात्स्यायन जी के नाम से हम सभी परिचित हैं। वात्स्यायन जी के वंशज थे कुबेर, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे। कुबेर के पुत्र थे श्री अर्थपति और अर्थपति के पुत्र थे श्री चित्रभानु। चित्रभानु के पुत्र थे हमारे इस कादंबरी के रचयिता श्री पाणभट्ट महोदय। संस्कृत गद्य साहित्य का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसकी यशगाथा का अवलोकन हम वैदिक साहित्य में भी कर सकते हैं। कवि सुबंधु कदाचित प्रथम विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत गद्य का प्रयोग किया। पाणभट्ट महोदय ने उन्हीं का अनुसरण किया। एक विद्वान के रूप में कलात्मक निरूपण का एक ऐसा अद्भुत स्पर्श दिया कि संस्कृत गद्य संसार के वे आदर्श बन गए। चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन जी पाणभट्ट के बहुत ही निकट थे और यही कारण था कि हर्षचरितम उन्होंने पाणभट्ट से लिखवाया। पाणभट्ट एक इतिहासकार नहीं अपितु साहित्यकार थे, एक नाटककार भी थे और एक अभिनेता भी। तो आइए आगे की कहानी हम पाणभट्ट जी के ही मुख से सुनते हैं। शुभकामना, नमस्कार। भूषण भट्ट नामा हम अभिवादे। आयुष्मान भव।
पूज्य पिताश्री, आप ये जो नया उपन्यास लिखने जा रहे हैं, कृपया उसके संबंध में हमें कुछ बताएं। हाँ हाँ, कुछ बताइए ना। वत्स, ये उपन्यास कादंबरी नामक एक कन्या के जीवन पर आधारित है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है। शूद्रक नाम का एक राजा था जो देवराज इंद्र के समान प्रतापी था। वेत्रवती नदी से घिरी हुई सकल समृद्धिपूर्ण विदिशा नगरी उसकी राजधानी थी। महाराज शूद्रक सभी शास्त्रों के ज्ञाता एवं कलाओं के जनक थे। वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनकी आंखों में लक्ष्मी हंसती थी तो वाणी में सरस्वती बोलती थी। वे सौंदर्य में कामदेव के समान तो बुद्धि में बृहस्पति के समान थे। यूं कहें तो सभी गुणों का सम्मिलित रूप थे महाराज शूद्रक। उन्हें बैर था तो संभोग सुख से। एक सुबह स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः चिरम् अभिवर्धताम् रवि संतान श्री 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 शूद्रक महाराज अस्य क्षेमस्थैर्य वीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिं भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु। महाराज की जय हो। राजन, राज लक्ष्मी की तरह तेजस्विनी अति सुंदर चांडाल कन्या आपसे मिलना चाहती है। उसके हाथ में एक पिंजरा है जिसमें एक चमत्कारी तोता है। वो उसे रत्न समझती है क्योंकि वो मनुष्यों की तरह बोलता है। उसके अनुसार सभी अमूल्य निधियों पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए वो उसे आपको भेंट स्वरूप देना चाहती है। उसे आने दो। जो आज्ञा। ओह, इतनी सुंदर, आश्चर्य। इस पर तो संसार का संपूर्ण सौंदर्य न्योछावर कर देना चाहिए। मानो मानो चंद्र किरणों को वस्त्राभूषण से सजा दिया गया हो। सचमुच सुंदरता की पराकाष्ठा। महाराज, ये अत्यंत अद्भुत तोता है। इसका नाम वैशंपायन है। ये सभी शास्त्रों के मर्म का ज्ञाता है। इतिहास, पुराण एवं नीति में निपुण ये तोता काव्य, संगीत और ज्योतिष में प्रवीण है। इस विशेष रत्न पर आपका ही अधिकार है, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। स्तनयुगम अश्रुस्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्निः चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणां राजन् विजयी भव। विद्वान सभासदों, क्या आपने इस तोते की कविता मई स्पष्ट वाणी सुनी? पक्षी होते हुए भी मनुष्यों की तरह शिष्टाचार से अपना दायां पैर उठा के नतमस्तक हो इस तोते ने मेरा अभिवादन किया। ओह, इस तोते ने मुझे आत्मविभोर कर दिया। मैं इस तोते से अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। प्राचीन काल में पशु पक्षी भी मनुष्यों की तरह बोला करते थे।
हाँ महाराज, वो तो अग्निदेव के शाप का परिणाम था जो कालांतर में तोतों की वाणी में वर्णों की स्पष्ट उच्चारण की कला का लोप हो गया और साथ ही साथ हाथियों की जिह्वा उलटकर कंठ की ओर घूम गई। हे आदरणीय बालिके, आप हमारे अतिथि गृह में विश्राम कीजिए। इस तोते को हमारे अंतःपुर में लाया जाए। शोक वैशंपायन को लाया जाए। लीजिए महाराज। आपने इन्हें भोजन कराया? राजन, राजमाता ने स्वयं अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया है। ठीक है ठीक है। राजन, मैंने बहुत खाया, मधुरस पीकर जामुन का कसेला व मीठा रस पिया, मोती के दानों जैसे गुलाबी अनार के दाने कुतर कुतर कर खाया, कमल के पत्तों जैसे हरे एवं अंगूर जैसे मीठे आमलों को इच्छा अनुसार चखा। ओ राजन, कितना स्वादिष्ट था वो सब। ठीक है ठीक है। वैशंपायन जी, मेरी उत्सुकता मिटाने की कृपा करें। मैं आपका पूरा जीवन चरित्र सुनना चाहता हूं। आपका कब कहां जन्म हुआ, आपका नाम किसने रखा, आपके माता पिता कौन हैं, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ, आपकी स्मरण शक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से मिली या किसी ऋषि से वरदान रूप में, कहीं आप इस रूप में छिपे हुए कोई महापुरुष तो नहीं है? इस चंडालिका के हाथों में कैसे पड़ गए? कृपया वैशंपायन सविस्तार बताएं। बताइए महाराज, ये कथा तो बड़ी लंबी है, किंतु यदि आप इतने उत्सुक हैं, तो मैं अवश्य सुनाऊंगा अपना जीवन वृत्तांत। विंध्यारण्य बहुत ही पवित्र एवं रमणीय वन है। यह भारतवर्ष का केंद्र बिंदु है। उसी वन में एक अति प्राचीन वृक्ष की शाखा पर बने घोंसले में मेरा जन्म हुआ। जन्म के कुछ क्षण पश्चात ही मेरी माता का देहांत हो गया। मेरे बूढ़े पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया। राजन, एक दिन बड़ी ही अमंगल घटना घटी। प्रातःकाल सभी पक्षी चारे की खोज में उड़ गए थे, केवल छोटे चूजे ही घोंसलों में बचे थे। उस दिन मेरे पिता भी भोजन की खोज में नहीं जा सके थे। मैं अक्सर उनके पंख के भीतर ही सो जाया करता था। कुछ समय तक आराम करने के बाद वे चले गए, जबकि एक बूढ़ा वहीं खड़ा सोच रहा था। उसने पूरे वृक्ष को नीचे से ऊपर तक देखा, अपनी लाल लाल आंखों से मानो वो हमारी आयु को सोख रहा था। मेरे पिताजी डर से कांपने लगे, वो मुझे बचाने के लिए बहुत चिंतित हो उठे, पर वे भली भांति समझ गए थे कि उस आकस्मिक विपत्ति से बचने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे सीने से लगाकर चूमा और फिर पंखों से ढककर छाती से लगा लिया। धीरे धीरे वो बूढ़ा पापी हमारे वृक्ष पर चढ़ने लगा। वह हमारे घोंसले के एकदम समीप आ गया। काले सांप जैसे बाहें फैलाकर
उसने हमारे घोंसले में डाल दी। मेरे पिताजी ने बचाव के लिए उसके हाथ पर बार बार चोंच से प्रहार किया, किंतु अंत में हत्यारे ने मेरे पिताजी की गर्दन मरोड़कर उन्हें मार डाला। वह पंखों के बीच में छिपे हुए मुझे न देख सका। पिता के पंखों में छिपे मैं भी भूमि पर आ गया। मैं भाग्यशाली था जो मृत्यु के मुंह से बच निकला था। उस दुष्ट के नीचे उतरने से पहले ही मैं निष्ठुर मरे हुए पिता को छोड़कर अपने जीवन की रक्षा हेतु पास के एक कमाल वृक्ष की जड़ में छिप गया। थोड़ी देर बाद पेड़ से उतरकर उस बूढ़े पापी ने भूमि पर फैले हुए पक्षियों को इकट्ठा किया और चला गया। उसके चले जाने पर मैं अपनी प्यास बुझाने हेतु पानी की खोज में इधर उधर घूमने लगा। पृथ्वी पर लुढ़कते लुढ़कते मैं थक चुका था। मैं मन ही मन में सोचने लगा, सभी प्राणियों के लिए संसार में जीवन से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है। सरोवर के पास में ही महर्षि जाबाली का आश्रम था। उनके पुत्र हारी सरोवर में स्नान करने हेतु आ रहे थे। ओह, इतना तेजस्वी रूप, मानो प्रातःकालीन सूर्य को गढ़कर बनाया गया हो। कितने शुद्ध और कितने पवित्र। अरे आह शुक, वाह कितना प्यारा शुक शावक है। कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कौन है? कहाँ से आए हो तुम? कदाचित किसी वृक्ष की शाखा से तो नहीं गिर पड़े, अथवा किसी बाज पक्षी के मुंह से गिर पड़े? बहुत प्यासे हो, अभी तुम्हें पानी देता हूं। लो पी लो। चिंता न करो शुक, यही समीप में हमारा आश्रम है, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूं। वहां तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हारित, ये शोक कहाँ पा गए? पिताश्री, सरोवर के किनारे किसी वृक्ष के घोंसले से गिर गया था। क्या मैं इसे यहां आश्रम में रख सकता हूं? पंखाने पर स्वयं उड़ जाएगा, अथवा हमारे साथ यहीं रहेगा। यह अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है हारित। ऋषिवर, इसने कैसा अपराध किया था? हां, पूर्व जन्म में यह कहां और कौन था? हां पिताजी, बताइए, इसका पूर्व इतिहास बताइए। यह एक वृहद कथा है। अवंती राज्य में अमर लोक की सुंदरता को भी लज्जित करने वाली एक नगरी है उज्जैनी। मानो सत्य और धर्म की जन्मभूमि हो। मंदिरों के इसी नगर में महाकाल भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में प्रजा की पीड़ा हरने वाला भरत जैसा एक महान राजा तारापीठ था। उसने अपने बाहुबल तथा सदचरित्र से पूरे भूमंडल को जीत लिया था। समस्त शास्त्रों एवं पुराणों का मर्मज्ञ ब्राह्मण शुकनास
तारापीड का मंत्री था। चक्रवर्ती सम्राट महाराज तारापीड की जय। हे निर्धन, आप यहां एकांत में क्यों बैठे हैं? देखिए, जिसे जो चाहिए महाराज तारापीड़ उसे दे रहे हैं। आप भी जाइए, जाकर आप भी इच्छित फल प्राप्त कीजिए। इच्छित फल उसने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए, अब किसी उसे कुछ क्या मांगू। महात्मन, मुझे क्षमा करें। हे सत्पुरुष, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरे महाराज तारापीड़ को पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। अवश्य ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अशुभ आप क्यों, ये प्रसन्नता से विरक्ति क्यों, क्या हुआ? कहीं मुझसे या मेरे परिजन से कोई अपराध तो नहीं हो गया? सुंदरी, मुझसे दुख का कारण तो बताओ। महाराज, आपका कोई भी अपराध नहीं है। आज चतुर्दशी को महारानी जी महाकाल की पूजा हेतु मंदिर गई थी। वहां पुजारी के मुख से अपुत्र से गतिर नास्ती ये सुनकर व्यथित हो गई हैं, इसीलिए महारानी जी रो रही हैं। महारानी, ईश्वर की इच्छा को कौन जानता है? कदाचित हमने पूर्वजन में कोई सत्कार्य न किया हो। प्रिय, हम भाग्य को नहीं बदल सकते, किंतु धैर्य धरो, अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है।
दीजिए। प्रेम में दो पल जीले पगले जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। Sound